हाई लव यू, वन स्टेट वन आरआरबी, ये टर्म हमने पहले भी सुना है, मैंने इस पे पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। उसके तहत एक नई रोड मैप आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई है इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट मिलके आपके इस वन स्टेट वन आरआरबी के मोटो को फुलफिल करने के लिए अभी उस रोड मैप पे काम करेगी और आने वाले दिनों में आपको 43 आरआरबी से रिड्यूस होके ये टोटल नंबर ऑफ आरआरबी 28 देखने को मिल सकता है। तो ये जो अमल ग्रेजुएशन से आप मर्जर आप कह सकते हैं वो फेज फोर में हो रहा है। अर्लियर टोटल नंबर ऑफ आरआरबी आपकी 196 से लेके हमने 43 पे लाया था, नाउ 43 से लेके 28 पे ले जाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। और ये प्लान इस कारण से दिया गया है, इसको ये कहा गया है कि जो टर्नओवर है उसको बढ़ाना है, एक्सपोजर को बढ़ाना है, डिजिटलाइजेशन को हमें इंक्रीज करना है ना, जो कैपिटल है आपकी बेसल के तहत उसे भी हमें बढ़ाना है और जो कॉस्ट है उसे हमें रिड्यूस करना है ना, एक्सपोजर को बढ़ाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। तो इसके तहत अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड मैप जारी कर दिया है तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं उसके लिए कोई भी डरने या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसके लिए आपको कुछ सोचने या फ्यूचर प्लान करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। यही होगा कि जो स्टेट जहाँ जैसे आंध्र प्रदेश में आप 4 आरआरबी देखते हैं, महाराष्ट्र में आप 2 आरआरबी देखते हैं, है ना, बिहार में आप 2 आरआरबी देखते हैं, है ना, तो ये आरआरबी आपस में मर्ज होगी। खासकर जो आरआरबी अगर 4 आरआरबी काम कर रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट में और उसमें से 1 आरआरबी है ना जिसकी कैपिटल बड़ी है तो उसमें बाकी के 3 आरआरबी आके मर्ज हो जाएंगे। तो स्टाफ की जहां तक बात है या आपके अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात है तो इसको दो तरीके से मैं बताता हूँ। स्टाफ जो ऑलरेडी उस आरआरबी में एज असिस्टेंट एज ए प्रोबेशनर ऑफिसर करके लगे हुए हैं उनके लिए कोई बड़ी चेंजेस नहीं आने वाली है। हाँ, उनकी जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगी वो चेंज हो जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्ड बैंक मिलेगा उतना ज्यादा आप एज ए स्टाफ के लिए अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर बड़ी आरआरबी में आप जाने वाले हैं तो उसकी स्पॉन्सर्ड बैंक भी थोड़ी सी और भी मजबूत तो होगी ही, तो आपके प्रमोशन के लिए या फिर आपके जो दायरा होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो जो स्टाफ आज के डेट में वहां पे हैं उनके लिए अच्छी बात होगी। अभी आते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी स्केल 1 आरआरबी स्केल 2 और असिस्टेंट के लिए तो उनके जो रिक्रूटमेंट में है उसमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? तो यहाँ पे संभवतः आ सकता है ना, क्योंकि जहां पे आप अगर देखें तो अगर 10 आरआरबी हैं आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसमें से अभी मर्ज अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे जो स्टाफ का स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज होगा और इस कारण से आपके थोड़ा सा चेंजेज मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिडक्शन आपके रिक्रूटमेंट में आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये जो माइनर डिफरेंस आएगा इसके लिए कोई बड़ी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस आधार पे आप आज काम कर रहे हैं उसी आधार पे आप काम करें, क्योंकि आरआरबी हो आईबीपीएस हो एसबीआई हो ना, ये जो 3 बड़ी वैकेंसी आती है इसको छोड़ दें तो नाबार्ड है या आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी है या इंश्योरेंस है, तो बाकी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इस कारण से ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट क्यों मर्जर कर रही है, निगेटिव अप्रोच आपको नहीं अपनाना है, है ना। आपको ये देखना है कि हमारी जो अप्रोच थी उसी अप्रोच के आधार पे हम अपने जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम देखते चलेंगे, उस सिलेबस पे हम काम करते चलेंगे। प्री को हमें देखना है, प्री के बाद हमें मेंस को देखना है ना। तो इस आधार पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ना कि ये आपको सोचना चाहिए कि आरआरबी अब तो मर्ज हो रही है, अब तो वैकेंसी कम आएगी तो अब हम आपके प्रिपरेशन जो है वो क्या हम एसएससी का करने लगे या किसी दूसरे एग्जामिनेशन का हम करने लगे। तो यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर 100 सीट्स आ रही है तो 90 सीट्स आएंगी, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, इस कारण से एक नए रिक्रूटमेंट पे कोई भी बड़ा इम्पैक्ट बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात होगी कि उनका जो सपोर्ट होगा वो अच्छे स्पॉन्सर्ड बैंक नेशनलाइज बैंक के साथ हो जाएगा, तो उनके प्रमोशन या उनके ट्रांसफर के लिए दायरा बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ आरआरबी फ्रॉम 43 टू 28 है वो कब आपके पटल पे आती है, जब आएगी तो आपके साथ साझा किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस न्यूज ऑफ मर्जर ऑफ आरआरबी।